Yo, what's up guys? Welcome back to another video. यार इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कारपेट रिपीटर, क्योंकि यार वूल बहुत मुश्किल से मिलती है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते सीधे सीधे यार कारपेट्स बनाना आपको बताऊंगा कि आप इन्फिनिट कारपेट कैसे बना सकते हो। तो फटाफट से चलते हैं गेम में। हाँ, फोटो को एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया और वाटर बकेट ट्रिक करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। गाइस, जैसे आप आपके वर्ल्ड में एंटर होगे तो आपको इन सामान की जरूरत पड़ेगी जो मेरी इन्वेंटरी में है, ठीक है। सबसे पहली चीज कंपार्टर, दूसरी रिपीटर और स्टिकी पिस्टन और रेडस्टोन, एक डेड कोरल और जो आपका फेवरेट कारपेट है वो, और एक स्लाइम ब्लॉक। तो आपको मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक 10x10 ब्लॉक का वो बना लो भाई, 5x5 का ब्लॉक बना लो। एक दो तीन चार पाँच और एक दो तीन चार पाँच पाँच, ओके। और जैसे आपने ये ब्लॉक्स बनाए, 10 ब्लॉक्स आपने ऐसे लगा लिए, और उसके बाद क्या करना, आपको एक सर्कल बनाना है यार, 6 ब्लॉक्स तक सर्कल बनाना है रेडस्टोन, इसका रेडस्टोन का ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छः, आपको देखो गाइस कुछ ऐसा दिखेगा। और अगली चीज आपको क्या करनी, एक ये कंपार्टर दिख रहा है ना आपको, कंपार्टर इसको लेना है और इसको यहाँ पे इस वाले को तोड़ना है रेडस्टोन को, और यहाँ पे लगा देना भाई इस कंपार्टर को ऐसे। और इसकी जो एरो दिख रही है आपको, एरो एरो के डायरेक्शन सामने की साइड होनी चाहिए। और अगली चीज आपको क्या लगानी है, रिपीटर, ये दो ये चीज सिर्फ आपको एक एक चीजें चाहिए। रिपीटर आपको कैसे लगाना है, इस वाले को तोड़ना है और इसकी इसकी डायरेक्शन उस साइड होनी चाहिए ताकि एक सर्कल बनाए। देखो आप जैसे देख पा रहे, एक सर्कल बन गया। और नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, कंपार्टर का जो ये बटन होता है ना, इसको दबा दो भाई, ठीक है। आपका ये पूरा रेडी हो गया, एक सर्कल रेडी हो गया, रिपीट करने के लिए हम तैयार हैं गाइस। अगली चीज आपको क्या करनी है, एक स्टिकी पिस्टन लिया, स्टिकी पिस्टन को आपको इस वाले जो ये रेडस्टोन यहाँ पे जब खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगाना है स्टिकी पिस्टन। और अगली चीज क्या करनी है, दो स्लाइम ब्लॉक्स चाहिए आपको। दो स्लाइम ब्लॉक आपके कैसे लगेंगे, अबे गलती से स्टिकी पिस्टन ही तोड़ दिया गाइस। दो स्लाइम ब्लॉक आपको नीचे का एरिया एक बार खाली करना पड़ेगा यार, इसको भी सेम रखना है रेल रिपीटर की तरह, हवा में रखना गाइस, ठीक है। यहाँ पे इसको खाली किया, यहाँ पे दो स्लाइम ब्लॉक्स लगाई अपनी, एक नीचे एक ऊपर, और वहाँ से थोड़ा सा भाई एरिया हम खाली कर देते हैं यहाँ से, ताकि हवा में रहे, ताकि मूव करे भाई। मूव करने के लिए तो स्पेस चाहिए ना। यहाँ पे देखो अपने स्पेस बना ली भाई, ठीक है, अपने स्पेस बन गई यहाँ पे बढ़िया सी। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है गाइस, आप एक बार एक डेड कोरल, यार कोरल कहीं में मिल जाएगा आपको समुद्र के अंदर से, डेड कोरल ली और डेड कोरल को आपको यहाँ पे लगा देना है भाई स्लाइम ब्लॉक के आगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज भाई बिल्कुल ही सिंपल है, जो आपका फेवरेट कलर का कारपेट है, रेड हो ब्लू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जो भी रिपीट करवाना है उसको आप यहाँ पे लगा दो भाई इसके ऊपर। ये देखो लग गया ना, कुछ ऐसा सीन बन जाएगा अपना, ठीक है। सीन गर्म है भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज बस यार, अगली चीज कुछ नहीं करनी है, बिल्कुल सिस्टम को स्टार्ट कर दो। और मैंने क्या बोला था, स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, बस एक लीवर ही तो खींचना है यार, तो लीवर तो लगाओगे। यहाँ पे लीवर लगाया और इसको ऑन कराया, और ये देखो भाई गाइस लीवर को बंद किया, ये देखिए यार सिर्फ इतनी देर में यार हमारे पास कितने कारपेट आ गए, कलेक्ट करके देखूं भाई, इतनी देर में सिर्फ हमारे पास 23 कारपेट्स आ गए यार, क्या बात है यार। तो आप यार इसको ऑन करके छोड़ दीजिए और आपका इन्फिनिट कारपेट्स मिलेंगे आपके, दिख रहा आपको। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए यार, ऐसी और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।